आज बनाते हैं हलवाई स्टाइल आलू परवल की सब्जी जो कि शादियों में बनती है। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ परवल को छोटे छोटे टुकड़ों में काट के उसमें सरसों तेल में हम उसे फ्राई कर लेंगे। यहाँ मैंने मिक्सी का जार लिया है जिसमें प्याज को छोटे छोटे टुकड़ों में काट के डाल दिया है, चिली लिया है, ज़ीरा और हम कुछ लहसुन डाल के उसका अच्छा सा फाइन पेस्ट बना लेंगे। बाकी जो मेरे प्याज बचे थे उसे मैं अच्छी तरह से कट कर लूँगी उसे फ्राई करने के लिए। यहाँ देखिए मेरा परवल फ्राई हो चुका है, अब मैं इसे निकाल लूँगी। यहाँ पर आलू को भी इसी तरह से, बॉइल्ड आलू को इसी तरह से मैं फ्राई करना है। जब मैंने सरसों तेल में कुछ खड़े मसाले, जीरा डाल दिया था और तेज़पत्ता, अब मैं उसमें बारीक कटा हुआ प्याज डालूंगी, उसे अच्छे से सुनहरा होने तक उसे फ्राई करूंगी। फिर उसमें जो मैंने पेस्ट बनाया था प्याज लहसुन का, चिली का, उसको मैं यहाँ ऐड कर दूंगी और कुछ देर तक इसे फ्राई करूंगी। मसाला हम अभी हमें ऐड नहीं करना है, नहीं तो मसाले जल जाएंगे। कुछ देर तक हमें ये प्याज अच्छे से भून जाएंगे तब हम मसाला ऐड करेंगे। यहाँ मैंने धनिया, हल्दी, जीरा पाउडर ये सब मैंने ऐड कर दिया है। मैं कुछ कसूरी मेथी डालूंगी, इसे अच्छे से फ्राई करूंगी। अब मैंने दो टमाटर लिए थे, मैंने उसका प्यूरी बना लिया था, अब मैं उसे डाल के उसे अच्छे से तेल निकलने तक मैं इसे अच्छे से फ्राई करूंगी। फ्राई करने से इसके मसाले का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। यहाँ मैं परवल और आलू जो मैंने फ्राई किया था उसको मैं इसमें डाल के उसे अच्छी तरह से, इस टाइम भी हमें थोड़ा सा फ्राई करना है, इसमें मैं गरम मसाला डालूंगी, उसे भी अच्छी तरह से फ्राई करूंगी। चलिए बारी आई ग्रेवी की। यहाँ मैंने अब इसमें मैं पानी डालूंगी अच्छी तरह से, इसे अच्छी तरह से चला के थोड़ी सी धनिया पत्ती उसमें हम छिड़क देंगे ताकि इसका टेस्ट और भी अच्छा आ जाए। अब हम उसे ढक देंगे 10 मिनट के लिए। ये देखिए हमारा सब्जी बनके तैयार है। वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर सब्सक्राइब